जय श्री राम फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश किचन और आज मैं बना रहा हूं साबूदाना की पकौड़े। तो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे 150 ग्राम के करीब साबूदाना लिया है। अब इसको हम भिगो के रख देंगे। हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अब इसको हम इसमें का पानी निकाल के इसको कम से कम डेढ़ से दो घंटे तक इसको भिगो के रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें का पानी निकाल दिया है और नॉर्मल सा थोड़ा सा पानी रखा है इसके अंदर, क्योंकि साबूदाना हमारा अच्छे से भिगना चाहिए, अच्छे से फूल जाएगा तभी तो हमारे पकौड़े अच्छे से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम दो घंटे के लिए इसको ढक के रखेंगे। मैंने यहाँ पे ढक्कन रख दिया है। अब इसको दो घंटे तक ऐसा ही रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और कुकर में हम चार आलू डाल देंगे। इसको अच्छे से बॉइल कर लेंगे आलू को। हमने गैस पर रख दिया है। अब इसके हम कम से कम तीन से चार सीटियां होने तक अच्छे से आलू को बॉईल कर लेंगे। और कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे साबूदाना अच्छे से फूल गया है और अच्छे से खिला भी निकला है, खिला खिले से। फ्रेंड्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक टोपला लेंगे और उसमें हम साबूदाना डाल देंगे सारा, और इसको हम अच्छे से अब इसमें क्या करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो आलू बॉइल किए थे हम इसमें आलू इसमें क्रश करके डाल देंगे। हमने चार आलू लिए। इस तरीके से क्रश करके डालना है। सकते हैं इस तरीके से करना है। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली को बारीक करके निकाला है पाउडर, तो इसमें हम डाल देंगे। हमने एक कटोरी के करीब निकाला है और इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब उपवास के लिए बना रहे हैं, व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे काली मिर्च पाउडर है तो मैं यहाँ पे एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगा। एक चम्मच डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दही डाल देंगे। दही से खट्टापन आ जाता है और अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम दही डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके की है और एकदम फास्ट बना सकते हैं आप, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
फ्रेंड्स इसको मिक्स करना ही, ज्यादा जितना आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा अपना जो साबुदाना वड़ा बनेगा वो अच्छी तरह से बन जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, आप अगर आप व्रत में हरा धनिया खा सकते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैं व्रत के लिए नहीं बना रहा हूँ इसलिए मैं हरा धनिया यूज कर रहा हूँ। और इसमें और थोड़ा सा दही यूज करेंगे, हम पानी नहीं डालेंगे, खाली दही से मिक्स करने वाले हैं। अब इसको जैसे हम आटा मिक्सर आटा जैसे हम चूर के ले रहे हैं उस तरीके से इसको अच्छे से चूर के लेना है। हमारा आटे के जैसा बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही ढक के रखेंगे। तब तक हम गैस पे कड़ी रख देंगे, इसको ढक के रखेंगे हम। फ्रेंड्स 3 मिनट हो गए, हम ढक्कन निकाल देंगे। और फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम गरम तेल डाल देंगे, इससे क्या होगा जो हम वड़ा बना रहे हैं वो अंदर से अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर अंदर से एकदम सॉफ्ट बन जाएंगे। फ्रेंड्स आप साबुदाना वड़ा आप कभी भी बना सकते हैं, व्रत में भी बना सकते हैं और नाश्ते में भी बना सकते हैं। देख सकते हैं हमारा आटा बन गया है साबुदाना का। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या करेंगे, गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले मैंने हाथ को तेल लगा लिया है क्योंकि हाथ को चिपकेंगे नहीं, इसलिए देख सकते हैं इस तरीके से गोल गोल बॉल्स बना के देने हैं। ज्यादा बड़े भी नहीं और ज्यादा छोटे भी नहीं, छोटे मीडियम साइज के बना के देने हैं हमें इस तरीके से। देख सकते हैं इस तरीके से बना के ले रहा हूं मैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इस तरीके से बॉल्स बना के ले रहा हूँ, मीडियम साइज के बनाने के लेना है हमें छोटे छोटे। हम सारे इसके बॉल्स बना के लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसके गोल गोल बॉल्स बना के लिए है। अब हम क्या करेंगे, गैस पे कड़े रख देंगे फ्रेंड्स और इसको अच्छे से तल लेंगे, तलना है। फ्रेंड्स हमने गैस पे कड़े रख दिए, हम गैस को कर देते हैं ऑन। फ्रेंड्स कड़े को हम 1 से 2 मिनट तक गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स हमारी कड़े गर्म हो गई है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तेल डाल देंगे। और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, तब तक हम वेट करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो गया है, हम थोड़ा सा चेक करेंगे हमारा तेल कितना गर्म हो गया। देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो गया है। फ्रेंड्स हम जो साबुदाना के छोटे छोटे बॉल्स बना के लिए है अब इसमें हम डाल देंगे, आराम से डालना है इसमें। हम ज्यादा नहीं डालेंगे, ओनली 4-5 ही डालेंगे।
नहीं तो तेल एकदम से ठंडा हो जाता है। फ्रेंड्स अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से पलटा के लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से तलने लगे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन गए हैं और अच्छे से तलने भी लगे हैं। फ्रेंड्स हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए और पकाना है। इसको बीच बीच में पलटा के लेना है। फ्रेंड देख सकते हैं अच्छे से तल गए हैं। अब इसको हम निकाल देंगे। देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है और अच्छे से सॉफ्ट बन गए अंदर से भी। फ्रेंड्स अब बाकी के हम निकाल लेंगे। सेम उसी तरीके से इसमें डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, 2 से 4 डालना है नहीं तो तेल ठंडा हो जाता है। इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ऐसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे बड़े अच्छे से बनने लगे हैं और इसके कलर भी चेंज होने लगे हैं। इसको बीच बीच में पलटा के लेंगे और 1 से 2 सेकंड के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं अंदर से अच्छे से तल गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स निकाल लेंगे। देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बन गए हैं और अच्छा सा कलर भी आ गया है। देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन कलर बन गए हैं। फ्रेंड्स आपको फिर से एक बार डाल के दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स वाईटी में एक न्यू चैनल है सरिता की रसोई बोल के। फ्रेंड्स इस चैनल के वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं तो आप फ्रेंड्स इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और इनकी वीडियो भी देखने के चले जाना। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा वीडियो आपको, तो इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखूंगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सपोर्ट कर लेना और इनकी भी वीडियो पे जाया करना। फ्रेंड्स अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पलटा के लेंगे। देख सकते हमारे बड़े बन गए हैं, अच्छे से अंदर से पक गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी भी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और जिसने लाइक नहीं किया वीडियो पे लाइक भी कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो और मेरे वीडियो को शेयर भी किया करो। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना आपको रेसिपी कैसी लगी है।
नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, बाय बाय।